भड़कती जहरीली न्यूज़ आ गई है जो नीट एस्पिरेंट है नीट 2022 के उनके लिए असली न्यूज़ है ये। और इस न्यूज़ में ख़ास क्या है, तो वो ख़ास ये है कि जो गवर्नमेंट पिछले साल से ट्राई कर रही है कि जो प्राइवेट कॉलेज हैं उन प्राइवेट कॉलेजों के जो फीस है उन फीस को मैनेज करने के लिए, जैसा कि पिछले काफ़ी टाइम से ये बात डिस्कशन चल रहा है कि जो नीट 2022 से जो प्राइवेट कॉलेज हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज उन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फ़ीस 50% सीट्स पर जो है वो गवर्नमेंट फीस के अकॉर्डिंग जाना होगी। ये NTA ने अपना अमेंडमेंट दिया था, ठीक है, जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रॉपर काम भी किया। और उस काम के सिलसिले में यहाँ पर दो न्यूज़ हमारे पास हैं, एक तो ओडिशा गवर्नमेंट की है। ओडिशा गवर्नमेंट ने जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उनको प्रपोजल भेजा कि भाई अपनी फ़ीस स्ट्रक्चर डिसाइड करो, और फीस स्ट्रक्चर डिसाइड अगर तुम नहीं कर रहे हो तो फिर हम करते हैं। तो 50% सीट्स के लिए जो कि NMC ने गाइडलाइन दी थी उसके हिसाब से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 50% सीट जो होंगी वो गवर्नमेंट फीस के अकॉर्डिंग भरी जाएंगी। तो ओडिशा ने यहाँ पर काम करना स्टार्ट कर दिया काफ़ी पहले से ही, ठीक है। ये न्यूज़ 27 जून की है लगभग, ठीक है, लगभग आज से एक महीने पहले की बात है ये। अब उसके बाद ये पूरी चीज़ यहाँ पर बात करी गई है, फीस प्रपोजल मस्ट बी विद प्रॉपर जस्टिफिकेशन। ओडिशा गवर्नमेंट ने ये बात बताई कि फीस ऐसी होना चाहिए जो जस्टिफाई करती हो सब कंडीशंस को, ठीक है। और इसमें काम प्रोसीड हो रहा है और काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं, क्योंकि इसकी जो डेट थी 15 जुलाई तक थी और डेट काफ़ी मतलब हफ्ता हो गया और इसको डेट को निकले हुए। तो खैर इसमें भी कुछ ना कुछ अपडेट आएगी, अभी देखते हैं क्या अपडेट वो होती है। अब आज भी एक असली ज़बरदस्त न्यूज़ आई है, वो आई है दूसरे स्टेट से, और जहाँ पर हम मतलब सोच भी नहीं सकते कि वो स्टेट इतनी जल्दी ये काम कर लेगा। तो वो स्टेट है हमारे पास तमिलनाडु। अब तमिलनाडु जो स्टेट है वहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो ये आज की न्यूज़ है, तमिलनाडु गवर्नमेंट आस्क प्राइवेट मेडिकल कॉलेज टू स्लैश फीस फॉर 50% सीट। अब ये चीज़ हमारे पास सामने आ गई और ये टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है, आज की ही न्यूज़ है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं क्या क्या अपडेट इन्होंने दिए, तो उसको देख लेते हैं। स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट ने बताया कि जो भी मेडिकल कॉलेज हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं उन सब में जो फीस है 50% सीटों पर वो 13,610 रुपये एक साल की फीस चार्ज करेंगे। और उस 13,610 में से ट्यूशन फीस भी है 4,000 रुपये। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो फीस 25 लाख रुपये पर ईयर थी प्राइवेट कॉलेज की वो फीस अब 13,610 रुपये होने वाली है। तो तमिलनाडु ने तो एकदम जहरीला काम करा है, मतलब क्या ही कह सकते हैं इस चीज़ को, सोचा नहीं था कि इतने सालों में ये चीज़ हो सकती है और वो चीज़ हो गई है। और देखो धीरे धीरे, क्योंकि ये चीज़ इसी साल से स्टार्ट होना है 2022 से, तो सारे स्टेट इस डायरेक्शन में काम कर रहे होंगे, ऑब्वियस बात है। अब देखते हैं कि किसकी न्यूज़ जो है वो जल्दी आती है। अच्छा, कुछ स्टेट ऐसे हैं जो पहले से ये काम कर रहे हैं, जैसे कि वेस्ट बंगाल है, तो वहाँ पर जो गवर्नमेंट सीट है 50% सीटों पर गवर्नमेंट कोटा लग जाता है, लेकिन वहाँ की फीस थोड़ी सी ज़्यादा है, 4-5 लाख रुपये पर ईयर होती है। हो सकता है इस NTA वाले जो 50% सीट वाला जो मामला है इसको देखते हुए वहाँ की फीस हो सकता है और कम हो जाए, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। और ऑब्वियस होना चाहिए क्योंकि 4-5 लाख भी फीस पर ईयर काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये हमारे मुद्दे की बात है। अब देखें अगर हम, तो तमिलनाडु में 10,725 सीटें हैं 70 मेडिकल कॉलेज में, जिसमें से 38 गवर्नमेंट है और 19 सेल्फ फाइनेंस है और 13 डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं। तो 19 और 13 लगभग 32 जो कॉलेज हैं अगर इन दोनों को ऐड किया जाए जो प्राइवेट हैं, उन 32 में सोचें आप सीट्स कितनी ज़्यादा इंक्रीमेंट होगी और उनकी फीस जो है वो 13,610 रुपये जो कि गवर्नमेंट ने बताई उसके हिसाब से जाएगी। तो अब सोचो कितना ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है बच्चों को, ठीक है। तो इस साल जिनका नीट अच्छा हुआ है, खैर जैसे भी हुआ हो बढ़िया है, अच्छी बात है, लेकिन अब 2022 से तो ये इम्प्लीमेंट हो गई होगा और ऑब्वियस बात है ये 2023 तक भी ये चीज़ें बढ़ेंगी और धीरे धीरे आगे बढ़ती रहेंगी। तो ये इन्फॉर्मेशन जो कि बहुत ही खतरनाक कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन और नीट के बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। और इससे अगर चीज़ें देखें तो गवर्नमेंट कॉलेज की जो सीट भी हैं वो भी अब बढ़ने वाली हैं और फीस तो ऑब्वियस बात है आप सबके लिए बेहतर रहेगी, क्योंकि इतनी कम फीस आई थिंक बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहेगी। जो भी मेरिटोरियस बच्चे हैं जो 1-2 मार्क्स से या फिर 4-5 मार्क्स से रहते हैं तो आई थिंक कट ऑफ भी उसी हिसाब से थोड़ी सी कम होने वाली है। तो ये तो इन्फॉर्मेशन थी, अब इसके अलावा जो भी इन्फॉर्मेशन निकल के आएगी उसके बारे में बात करेंगे। ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।